हेलो माय फैमिली, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्मूदनिंग के बाद, केराटिन ट्रीटमेंट के बाद या फिर रिबॉन्डिंग के बाद अपने बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कैसे उनकी केयर करें जिससे हमको ये जो केमिकल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और हाँ हमारे बाल भी कम टूटे, हेयर फॉल हमको कम देखने को मिले। सबसे ज़्यादा क्वेरीज या फिर क्वेश्चन यही आते हैं कि दीदी स्मूदनिंग के बाद, केराटिन ट्रीटमेंट के बाद अपने बालों की हम कैसे केयर करें या फिर इनसे होने वाले हेयर फॉल को हम कैसे रोकें। तो अगर आपने भी हाँ जी कभी कोई रिबॉन्डिंग कराई हो, ट्रीटमेंट कराया हो, बोटॉक्स कराया हो या फिर कोई केराटिन ट्रीटमेंट कराया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने भी कुछ साल पहले अपने बालों में स्मूदनिंग कराई थी। तो मैंने कैसे अपने बालों की केयर की और अगर हम देखें कि मेरे बालों में जो चेंजेस आए वो स्मूदनिंग के बाद ही मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिले, मेरी हेयर ग्रोथ में, मेरी डेंसिटी में, तो इन्हीं सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगी और कैसे मैंने अपने बालों की केयर की थी वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट अपनी जर्नी के थ्रू आप उस चीज़ को समझते जाना और उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते जाना। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 2018 की 23 फरवरी को स्मूदनिंग कराई थी। तो स्मूदनिंग से पहले मैंने वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे कि स्मूदनिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम अपने बालों की देखभाल करें, ये सब चीज़ें मैंने भी देखी थी। बट मुझे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, मुझे ऐसी कोई वीडियोस पर्टिकुलर मिली नहीं जिससे मुझे कुछ नॉलेज गेन हो जो मैं अप्लाई कर सकूँ। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने जो स्मूदनिंग के लिए एक सर थे जिनको कम से कम 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस था, उनको चुना था। क्योंकि अगर हम किसी नौसिखिए से करवाते हैं या फिर हम घर पर खुद से करते हैं या फिर जिसको कम एक्सपीरियंस होता है तो उससे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे स्मूदनिंग को अच्छे से कर सके, है ना। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से कराते हैं ना, किसी ऐसे पर्सन से कराते हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो वो एक परफेक्ट वे में करते हैं जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा कम हेयरफॉल देखने को भी मिलता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आपको किसी ऐसे पर्टिकुलर इंसान को चुनना है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। जैसे 5 साल का 6 साल का 4 साल का 8 साल का 9 साल का होगा तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो कभी भी आप स्मूदनिंग कराएं तो एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस पर्सन से ही कराएं, किसी नौसिखिए से ना कराएं और घर पर तो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि इससे होता है कि घर पर करने से क्या होता है कि हमारे बालों में केमिकल भी चला जाता है और कोई फ़ायदा भी हमारे बालों में देखने को नहीं मिलता और बाल जिस चीज़ के लिए हमने कराए होते हैं ना स्ट्रेटनिंग के लिए, वो बाल स्ट्रेट भी नहीं होते। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने बोला था कि हमारे एक सर हैं जो पार्लर काम करते हैं, उन्होंने बोला है कि वो मेरी घर पर ही स्मूदनिंग कर देंगे। अब क्या था कि उन्होंने झूठ बोला पैसे कमाने के चक्कर में, उनसे ले लिए स्मूदनिंग करने के 1000 रुपये, बाकी जो वो सामान खरीद के लाई थी सो अलग। अब स्मूदनिंग उसने कराई, 3 दिन तक वो परेशान भी रही, बाद में जब उसने सर धोया तो बिल्कुल भी देख के नहीं लग रहा था कि भाई बंदी के जो बाल हैं उसमें स्मूदनिंग हुई है, कोई केमिकल गया है। तो टोटली वेस्ट हुआ उसका पैसा भी, बालों में केमिकल चला गया सो अलग, उसको हेयर फॉल देखने को मिला वो अलग, उसके लिए दिक्कत खड़ी हो गई। तो मैं आपको बस यही रेकमेंड करूँगी कि हमेशा एक्सपीरियंस पर्सन से ही केमिकल से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट अपने बालों में कराएं और जब आपको खुद को फील हो तभी किसी चीज़ को अपने बालों में, अपनी बॉडी पर यूज़ करें, किसी और के रेकमेंडेशन पर बिल्कुल भी ना चलें। ठीक है कि किसी ने ऐसे करा लिया या इसके बाल अच्छे लग रहे हैं, उसके बालों में स्मूदनिंग अच्छी लग रही है, मैं भी करा लूँ, पहले आप अपने हेयर्स की कंडीशन देखिए कि आपके बालों को सचमुच ज़रूरत है। किसी के बाल देखो स्ट्रेट होते हैं, ये भी मैंने देखा है कि मेरे बालों को देख के काफ़ी लोगों ने स्ट्रेटनिंग भी कराई, स्मूदनिंग भी कराई, बट ऑलरेडी उनके बाल स्ट्रेट थे। तो ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है, अपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको सब चीज़ें देख के चलनी है, किसी की होड़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें आगे चल के भुगतने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। जब आप स्मूदनिंग करा लें तो मैंने उन भैया से पूछा था कि भैया मैंने पर्टिकुलर वीडियोस वगैरह देखी थी तो हम कैसे अपने बालों की केयर करें, तो उन्होंने बोला था कि जब भी आप कभी स्मूदनिंग कराने के लिए जाओ ना तो उनसे बोलना कि भैया जो भी क्रीम है या जो भी केमिकल है वो हमारी जड़ों में बिल्कुल भी ना लगे, है ना। मतलब जैसे कि ये है, जैसे ये मेरे बाल हैं, ये मेरे बाल हैं, तो जो स्मूदनिंग की जो क्रीम है या फिर मैं जो हेयर स्पा करती हूँ या फिर जो पार्लर्स में हेयर स्पा करते हैं, जो कोई भी बोटॉक्स वगैरह करते हैं जो आजकल चल रहा है, तो आप उन सभी चीज़ों को सिर्फ अपनी हेयर लेंथ पर लगवाएं, बिल्कुल जड़ों तक तो बिल्कुल भी ना जाने दें। क्योंकि जड़ों में जाएंगे केमिकल तो हमारी जो रूट्स होंगी वो डैमेज होंगी, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर होंगी, वीक होंगी, जिससे हमको बाद में बहुत ज़्यादा हेयरफॉल देखने को मिलता है। तो आप एक ये चीज़ भी नोटिस करिएगा कि कोई भी केमिकल
ट्रीटमेंट कराएं तो अपने रूट्स पर तो बिल्कुल भी ना लगने दें, उन्हें सिर्फ हेयर लेंथ पर ही काम करने दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, जब हमारा पूरा स्मूदनिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो 3 दिन तक आपको अपने बालों में ना रबड़ बैंड लगाना है, ना उन्हें टाई करना है, कोई भी क्लिप या फिर इवन कान के पीछे तक भी आपको अपने बालों को नहीं करना है। क्योंकि अगर आप एक बार भी अपने बालों को ट्राई कर लोगे या फिर कोई क्लिप लगा लोगे या फिर अपने कान के पीछे कर लोगे तो बाल एज इट इज़ ही हो जाएंगे, वो मुड़ जाएंगे, वो फिर एक साल तक तो बिल्कुल भी स्ट्रेट आपके बाल नहीं रहेंगे। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि 3 दिन का प्रोसेस होता है स्मूदनिंग के बाद, तो 3 दिन तक तो आप अपने बालों को बिल्कुल ही सीधा रखें, उसमें कुछ चीज़ ना लगाएं, और रात को सोते समय भी अपने बालों को बेड के पीछे लटकाकर ही सोएं, ठीक है। आप समझ गए अच्छे से। और 3 दिन के बाद अगर देखें तो आपको अपने बालों को धोना है, ठीक है। और अगर आपने स्मूदनिंग कराई है, कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह कराया है, तो आपको अब ध्यान रख लेना है कि जो कंडीशनर है उसका तो मस्ट यूज़ करना है, और जो सीरम है उसका भी मस्ट यूज़ करना है अपने बालों में हमेशा के लिए। कंडीशनर और सीरम को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हमने ये बात भी पूछी थी कि भैया अब हम ऑयलिंग कब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मोस्टली ये देखा है कि स्मूदनिंग के बाद बाल बहुत झड़ते हैं, तो हमको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भैया ने बोला था कि आपको 3 महीने तक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, यानी कि अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करनी है। 3 महीने के बाद अपने बालों में अच्छे से ऑयलिंग करनी है, रेगुलर वे में, एक कॉन्टीन्यूस वे में, ताकि जो भी केमिकल है ऑयल उसको काफ़ी हद तक कम कर सके, उसकी इफेक्टनेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सके। तो आपको ऑयलिंग करनी है 3 महीने के बाद, आपको अपने बालों में ऑयलिंग शुरू कर देनी है, और 3 महीने के बाद ही आपको अपने बालों में पैक भी लगाना है। पैक प्रोटीन हेयर मास्क मैं आपको रेकमेंड करूँगी, जैसे एग का हेयर मास्क है, जो मैंने अपनी मोस्टली वीडियोज़ में दिखाया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वो वाली वीडियोज़ भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो 3 महीने के बाद आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि आपको ऑयलिंग, हेयर मास्क, सीरम, कंडीशनर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और रही बात, बोलते हैं कि दीदी अगर हम अपने बालों को बांधेंगे, गूंथ बनाएंगे, बन बनाएंगे, तो इससे हमारे बालों में निशान पड़ जाएंगे या फिर वो एज इट इज़ ही रह जाएंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्मूदनिंग के 3 दिन के बाद तक का ही ये प्रोसेस होता है। 3 दिन तक आपको अपने बालों को बिल्कुल अच्छे से संभाल के रखना है, फिर 3 दिन के बाद सर धोने के बाद आप अपने बालों में गूंथ बनाइए, बन बनाइए, खुला छोड़िए, कुछ भी कीजिए, आपके बाल धोने के बाद, हेयर वॉश के बाद एज इट इज़ बिल्कुल स्ट्रेट नॉर्मल हो जाएंगे, जैसा वो स्मूदनिंग के टाइम बिल्कुल स्ट्रेट थे। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए अपने बालों में कोई हेयर स्टाइल बनाने से, या फिर बन बनाने से, या फिर गूंथ बनाने से। मेरे साथ तो खुद यही हुआ था कि 3 दिन मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही नहीं निकल रहे थे। 3 दिन मैं कैसे रही थी मुझे ही पता है, क्योंकि घर का काम हो गया, घर का काम भी करना पड़ता है, फिर खुले बालों में हम नहाए कैसे, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने तो क्या किया था कि अब नहाना तो था ही, तो नहाने के लिए मैंने क्या किया, गीला कपड़ा लिया, उससे अपने शरीर को साफ़ कर लिया था। मैंने अपने बालों को बिल्कुल नहीं बांधा था, तो आप भी ये प्रोसेस कर सकते हो, गीले कपड़े से अपने बालों, अपने शरीर को साफ़ कर सकते हो। पर मैं सबसे ज़्यादा आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप स्मूदनिंग कराने वाले हो तो आप हमेशा ठंड के मौसम में ही कराना। जैसे फैब का महीना बिल्कुल बहुत अच्छा है, तो अगर आपको कराना है तो फैब के महीने में कराना, क्योंकि गर्मी के मौसम में 3 दिन बाल खुले रखना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, तो आप उसको रह ही नहीं पाओगे, बालों को खुला ही नहीं छोड़ पाओगे। अगर हम फैब के महीने में कराएंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैंने एंड में कराया था ना, फैब के एंड में, तो उस समय ना ज़्यादा उतनी गर्मी थी, ना ज़्यादा उतनी ठंड थी, तो मेरे लिए बालों को खुला रखना पॉसिबल था। तो थोड़ा ये सब चीज़ें भी आपको देख के रखनी है। और फिर ये भी पूछा जाता है कि दीदी आप कौन सा जो शैम्पू हो वो यूज़ करते हो। देखो शैम्पू जो भैया थे उनको मैंने बताया ना आपको कि 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने बोला कि देखो आप कंडीशनर और सीरम आप मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो, कंडीशनर और सीरम आप मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो। बट जो कंडीशनर था वो मैंने मैट्रिक्स का यूज़ किया, और जो सीरम है वो मैंने
और जो मेरे सिरम और कंडीशनर था वो मैट्रिक्स का मेरा कंडीशनर है, मैं 2018 से लेके अब तक यही वाला कंडीशनर यूज़ करती आ रही हूँ। और जो मेरा सिरम है वो ये है, ये भी मैं 2018 से स्ट्रिक्स का सिरम यूज़ करती आ रही हूँ। तो इन दोनों का यूज़ तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और रही बात शैम्पू की, तो भैया ने बोला था देखो आप शैम्पू कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि स्मूदनिंग के बाद आपको यही वाला शैम्पू यूज़ करना है। तो ने बोला जो भी आपको सूट करता हो आप वही करना। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो उस समय तो मैं स्टूडेंट थी, तो मेरे लिए इन दो चीज़ों को अफोर्ड कर पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर भैया ने बोला कि आपको जो सूट करता है शैम्पू आप वही करना। तो सच में बताऊं लिटरली तो मैंने तो एक रुपये वाला क्लिनिक प्लस का शैम्पू यूज़ किया था। मैं क्या करती थी, क्लिनिक प्लस के शैम्पू को यूज़ करती, उसके बाद सीरम को यूज़ करती। सीरम यूज़ करने के बाद जब मेरे बाल हल्के गीले हो जा, मतलब हल्के गीले हल्के सूखे रहते, तो उसमें मैं सिरम का यूज़ करती। और जब सर्दियाँ आती तो मैं हैंड एंड शोल्डर्स का वाला जो शैम्पू होता है ना वो वाला यूज़ करती। तो मैं भी आपको वही बोलूँगी कि आप फालतू की चीज़ों में ना पड़ें, अपने हेयर्स को देखें, वो चीज़ें उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करें जो आपको सूट करती हो, है ना। अब हम बड़े बड़े महंगे प्रोडक्ट्स का यूज़ करें और क्या पता वो हमको सूट ना हो, तो आपको वही चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे शैम्पू है, शैम्पू जो मुझको सूट करता था मैंने वही यूज़ किया। और रही बात कंडीशनर की, तो कंडीशनर को तो हम वैसे भी अपने बालों की जड़ों में नहीं लगाते हैं, है ना। कंडीशनर को हम सिर्फ अपने हेयर लेंथ पर ही अप्लाई करते हैं। और रही बात सिरम की, सिरम को भी हम अपने बालों की जड़ों में नहीं लगाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जो इन सब का केमिकल है वो तो मेरे बालों की जड़ों में गया ही नहीं। जब इतना सारा केमिकल ऑलरेडी मेरे बालों में चला गया, फिर मैं इस वाले केमिकल को भी अपने बालों में लगा लूंगी, तो फिर मेरे को हेयर फॉल देखने को मिलता ना। तो कहीं ना कहीं उस चीज को मैंने रिड्यूस कर दिया। जो आपको शैम्पू यूज कर रहे हो आपको उसी का यूज़ करना है, बाकी इन दोनों चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनको अपनी हेयर लेंथ में अच्छे से प्रॉपर वे में लगाना है। 3 महीने के बाद अपना हेयर मास्क और हेयर ऑयलिंग बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, इन सबको रेगुलर वे में लगाना है। तभी आप देख पाओगे कि मेरी स्मूदनिंग के बाद की जो हेयर जर्नी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मुझे देखने को मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद डरी हुई थी कि स्मूदनिंग के बाद हेयर फॉल हो जाता है, हेयर फॉल हो जाता है, बट ऐसा नहीं था क्योंकि मैंने प्रॉपर वे में अपने हेयर केयर की, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। बस यही मेरी कुछ छोटी मोटी टिप्स थी, जो मेरी जर्नी थी, जो मैंने सीखा वही मैंने आपको बताया, बाकी एक्स्ट्रा मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ, सॉरी, एक बात और ये है कि आपको जब स्मूदनिंग आप करा लो ना, तो पर्टिकुलर 1 महीने के अंदर आपको 1 साल तक तो अपने बालों में हेयर स्पा भी लेना है। मुझे बोला गया था कि आप हेयर स्पा आके हमारे पार्लर में करा सकते हो, बट वही बात है, मैं स्टूडेंट थी तो मैं हेयर स्पा तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि हम हेयर स्पा कैसे करें, तो हेयर स्पा के लिए भी मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है, जिसमें मैंने अपनी क्रीम और हेयर स्पा कैसे करते हैं वो भी मैंने दिखाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। तो आपको हेयर स्पा भी मस्ट करना है। हेयर स्पा भी आपको अपने बालों की जड़ों में करना ही नहीं है, तो केमिकल जाएगा ही नहीं, ठीक है। 3 महीने बाद हम हेयर ऑयलिंग करेंगे, तो जो भी केमिकल हमारी स्मूदनिंग के दौरान हमारे बालों की जड़ों तक गया था वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। तो यही करना है आपको, ठीक है, कि 3 दिन तक अपने बालों में कुछ नहीं करना है, कोई भी पिन टिक टैक या फिर बर्न वगैरह यूज़ नहीं करना है। 3 दिन के बाद आप अपने बालों में अपने बालों को हेयर वॉश कीजिए, फिर उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, आप बर्न बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, सर धोने के बाद बिल्कुल बाल वैसे हो जाएंगे। हेयर सीरम हेयर कंडीशनर का यूज़ मस्ट करना है। हर महीने में पर्टिकुलर वे में एक हेयर स्पा तो आपको ज़रूर लेना है। हेयर स्पा की मैंने वीडियो यूज़ बताई हुई है, अपने चैनल पर दी हुई है। और हर महीने आपको हेयर स्पा करना है। आपको पार्लर्स में जाके पैसे वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैंने आपको शैम्पू के बारे में बताया है, उस चीज़ को अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि शैम्पू उतना मायने नहीं रखता। आप अपने बालों को कितनी केयर करते हो, कितनी देखभाल करते हो, वो ज़्यादा चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं। तो शायद मैंने कुछ जल्दी जल्दी ये सारी बातें बता दी हैं, और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए हेयर केयर से रिलेटेड, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट के नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल करना ना भूले, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय एंड।